जी राए जाग रे यो दिन यो बार हुंता। जय माता दी, जय मांबे, जय मां गौरी, जय मां भवानी। तो ये है हमारा हरेला जो हमने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा आपने, जमाया था इसको। तो इसको आज पूरे 9 दिन हो चुके हैं, तो आज इसको काटा जाएगा और त्योहार मनाया जाएगा। तो ये इतना बड़ा हो चुका है, तो जो भी बीज हमने बोए थे वो एकदम बढ़िया से उगे हुए हैं और काफी बड़ा हरेला हुआ है और काफी हरा हुआ है, तो काफी अच्छा जमाया है हरेला। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला राम राम। सुबह का समय है और टाइम लगभग सुबह के 5:10 हो चुके हैं और भाई साहब गर्मी क्या जबरदस्त हो रही है, बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। और सुबह सुबह देखे पसीने से कितना भीग गया हूँ मैं, अंदर से बाहर आने तक बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखे से हटते ही एकदम पसीना पसीना हो जा रहा है इंसान। तो जैसे कि आज हरेला है, तो हरेले के दिन भी बारिश का कहीं आता पता नहीं है, जबकि इस समय काफ़ी बरसात होती थी, तो लग ही नहीं रहा है कि बरसात का मौसम भी है। तो बिच्छू उठ, चल उठ उठ, अरे उठ, थोड़ा बाहर निकल, उछल कूद, थोड़ा इधर दौड़ भाग, चल। तो प्रियांशु को उठाने गया था मैं, तो प्रियांशु उठने वाला है नहीं इतनी आसानी से, वो अभी उठेगा थोड़ी एक आध घंटे बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और नींद भी ठीक से आ नहीं रही है ऐसे में, तो इसलिए सोने देते हैं उसको। और फिलहाल मैं रेडी हुआ हूँ ड्यूटी जाने के लिए और पसीने से पूरा तरबतर हो चुका हूँ, तो अभी मैं चलता हूँ ड्यूटी और आपको सीधे मिलते हैं अब दिन में। और खूब लंबी उम्र दे भगवान, खूब तरक्की दे और तुम्हारी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। तो मैं पहुंच चुका हूं ड्यूटी से घर और भाई साहब क्या जबरदस्त वाली धूप आई है, ओहो हैं, अब देखना छोड़। लविंचू पानी ला दो, बाल भी बहुत बड़े हुए यार, कल बाल भी कटाते हैं संडे को, गर्मी एक तो ऐसी हो रही है। तो आज प्रियांशु की तो छुट्टी थी, प्रियांशु घर ही है, तो अभी थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं और दीदी भी आई हुई है, तो उसके बाद सर्वर पूछते हैं। फिलहाल तो प्रियांशु ही जगा हुआ है, बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं। पंखा चलाते, पंखा पंखा पंखा, बिना पंखे के तो रहना ही मुश्किल है। तो फिलहाल तो पी लेता हूँ मैं पानी पहले, बहुत ज़बरदस्त प्यास लग रही है, बारिश का इंतजार है लेकिन बारिश है कि आने का नाम नहीं ले रही है। हाँ जी, पहला और ठीक ठाक, जीजा जी को क्यों नहीं लेके आई, वो आएंगे क्यों, क्या करते हैं ना गर्मी। तो अभी मैं हाथ मुंह धोके एकदम फ्रेश हो गया हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स कर लिया है और अच्छी आवाज है, दीदी भी आई हुई है, तो दीदी सुबह ही आ गई है, तो दीदी उनका हरेला नहीं होता है तो इसीलिए दीदी आ गई यहाँ, बढ़िया किया। लेकिन जीजा जी को नहीं लेके आई, वो भी आते तो बढ़िया रहता। जय हो जय हो। तो यहाँ हरेला कट चुका है मेरे आने तक, तो इसमें हमने हरेला बोया था, ये काट दिया है, काट कर प्लेट में रखा हुआ है, बाकी मंदिर में चढ़ा दिया है। जय हो जय माता दी। तो अभी दीदी सर पूजेगी मेरा, बाकी सबने तो रख लिया है और दीदी ने सबका सर भी पूज दिया है, जैसा कि आगे देख लिया होगा आपने कि
जांच ने टूटी फूटी ब्लॉगिंग कर रखी है। जी रहा जाग रहा पति और दोपहर से जोर माल तक गंगा बंधु संतल पैराग लाल कैलाश बाग बाग और खूब खालिया फूलिया और खूब लंबी उम्र है जब और खूब तरक्की करना और मेरा भाई जुग जुग जिए और हमेशा स्वस्थ रहना। हाँ जी देखंडू ला तेरा शेर भी पूजेंगे। हाँ तू तेरा शेर भी पूजेंगे। इधर आ इधर रहा बेचारा। टीका लगाओ टीका। जी राय जाग रे यो दिन यो बार हूं तक हिमालय यू हूं तक दुबई की जोड़ जे हिमालय यू जन तक ऐराज जोड़ कान। तो इसका सर भी हमने पूछ दिया है। चल 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 जा। वो बोल रहा क्या बात है। तो अभी सबका सर पूछ दिया है तो अब रह गया कोको। कोको कहाँ गया? कहाँ रे ले? ये बैठा हुआ है। खाने के लिए ला रहा हूँ। टीका लगा। हाँ टीका लगा। ये ले। रुक रुक रुक। क्यों सर में रख सर में रख। तो अभी सर्वर पूछ दिया है बढ़िया से एकदम और कोको और कैंडी का सर भी पूछ दिया। और तो और अरे तुमने पूछ ली मेरा सर है? पति का भी सर पूछते हैं है? ना पति का क्यों पूछते हैं सर? तो अभी फिलहाल तो दीदी लोग चाय वाय पी रहे हैं और मैं देखता हूँ क्या क्या पकवान बना रखे हैं इनने। हाँ हाँ ले आओ यहीं ले आओ। बरसात होती तो बढ़िया रहता लेकिन जबरदस्त गर्मी ने हरेले के त्यौहार को थोड़ा फीका कर दिया है। और मेरे लिए आ चुके हैं पकवान जो जो बनाए हुए थे। तो आज बनाई हुई है खीर पूरियां बनाई हुई है और साथ में है आलू के गुटके। तो इस तरह के कुछ पकवान बनाए हुए हैं। तो खीर तो हर त्यौहार में बनती ही बनती है चाहे किसी का भी त्यौहार हो। तो बाकी सबका तो हो चुका है भोजन बस मैं ही रहा हूँ। तो आज तो हमारे कंपनी में भी यही बनी हुई थी पूरियां खीर शनिवार को यही बनता ना। पूरी दो ही है बस ये तो उनके मुंह में जीरा है जब मैं बना देती हूं। ना ना हो गया खीर होगी और खीर है ना भी हो जाएगा। फिर जय माता दी। देखते हैं कैसन हो रहे हैं आलू के गुटके। एकदम टेस्टी लाजवाब। तो अभी पिताजी भी आ चुके हैं। अभी कहाँ थे बाबू? अभी तो थे नहीं है। कहाँ गए थे पूछ तो? अच्छा नहाने गए थे। तभी मैं कह रहा हूँ कहीं निकल तो नहीं गए घूमने। क्यों इन्होंने नहीं खाया क्या कुछ? अरे पूरी खीर खाई थी लेकिन भूख लगी। तो खीर नहीं इनके लिए? खीर भी है। नहीं नहीं तो खीर दे दो ना। तो पिताजी आ चुके हैं नहा धोके फिर से। एक बार सुबह नहाया होगा एक बार अभी नहाया है। थाली में रखा है। ये कह रहे हैं कि दिन में उन्होंने कुछ खाया नहीं खाली खीर खीर खाई। तो कह रहे हैं खीर और पूरी। हाँ तो खीर और पूरी खाई होगी तो कह रहे हैं अभी भूख लग गई है। तो बुजुर्गों और बच्चों का एक सही हिसाब होता है तो उनको भी जल्दी जल्दी भूख लग जाती बच्चों की तरह। तो अभी दीदी बना रही है उधर गर्मा गर्म रोटी। वहाँ दीदी लग गई है। चाय पी ले दी तूने? तो ये वाली खीर दे देते हैं पिताजी को। वो इंतजार में बैठे हुए हैं जब तक रोटी बनती है। लो खा लोगे सब? खा लो खा लो कोई बात नहीं मैं खा लूंगा। खा लो खा लो। तो अभी पिताजी को दे दी है मैंने जो मेरे लिए खीर लाए थे। तो वो वहाँ पर इंतजार में बैठे हुए हैं तो मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैंने खीर दे दी है उनको अपनी वाली। तो अब मैं पूरी खा लेता हूँ तब तक।
पूरी नहीं है क्या दी और? चल अटा पूरी में खा भी नहीं रहा हूँ, ज़्यादा खाता नहीं। तो दीदी ने बना दी गर्मा गर्म रोटियाँ ना ना, अरे पूरी नहीं, पूरी नहीं खाता मैं, उसमें कम ही खाता है, दो तो बहुत है। बाबू और खाते हैं? खीर खा ली उन्हें। तो अभी दीदी ने पिताजी के लिए बना दी है गर्मा गर्म रोटी। गर्म हो गया तुझे? बैठ यहाँ, बैठ यहाँ, बैठ। अरे नाश्ता जैसा ही हो गया होगा उनका। नाश्ता टाइप का। तो मैंने भी दो पूरी खा ली है और दो रोटी खा ली है और दो कटोरी खा दी है आलू के घुटके। तो अब मैं खाऊंगा खीर, वो तो बहुत जरूरी है। लाओ तो थोड़ा ही, कितना है उतना दे दो। कोई सबने खा लिया, हमने खा लिया है। तो ये आ चुकी है मेरी खीर की कटोरी, तो देखता हूँ अभी टेस्ट करके। बहुत बढ़िया है, लाजवाब टेस्ट आ रहा, बड़ा बढ़िया वाला इसका। तो अभी पूरी कुकर ही मेरे आगे रख दिया है, लेकिन कुकर में है नहीं कुछ, खत्म हो गया है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया हो चुकी है पेट पूजा, एकदम मज़ा आ गया और साथ में पिताजी ने भी खा लिया। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, सीधे तिवारी बनाया होगा, इसीलिए पिताजी को भूख लग गई। ये लड़का सुबह भी सोया ही था, अभी शाम को भी सोया ही हुआ है। चल खड़ा हो, कितना सोता है? ट्यूशन नहीं है तेरा आज? हैं, उठ जा, उठ जा बेटा, चल आ जा। देख कितना हो गया टाइम, 6 बज गया पूरे। वो देखो, अरे दीदी यहीं रहती तू है? अभी तो मौसम कुछ अलग सा हो गया है, आएगी बारिश। तो खाना वाना खा के दीदी के साथ बहुत सारी गप्पें वप्पें कर ली है और टाइम भी काफ़ी हो गया, लगभग 6 बज गया है। तो आज हरेले के दिन लग रहा है कि इंद्रदेव मेहरबान होने वाले हैं, बादल जैसे आ गए हैं चारों तरफ, फिलहाल तो आए हुए ही हैं। तो देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है, बारिश आ जाती बढ़िया हो जाता है एकदम। तो अभी फ़िलहाल दीदी जा रही है अब, तो मैं उसको छोड़ने जाऊँगा चक्की मोड़ तक, तो वहाँ से फिर वो जाएगी टेम्पो में। तो फिलहाल दीदी ले जा रही है फूल का पेड़। नाके फुल्ली गाय के गोठ में दान करे आई, उससे एक मारी फुल्ली गाय बचा हुआ, नाक गायब नहीं हुई। ये तो मेरी नकली ला दी, ऐसे नाक अच्छा नहीं लग रहा। अरे अंदर है तो सही, पहनती नहीं है। अंदर निक्की वाली कहाँ है? वो पूरी पिचक रखी है। फिर अब लाएंगे, अभी जाते रहे, अभी ले नकली देर लगा। अरे अभी कहाँ बवाला करूँ मैं, वहाँ दुकान में चूड़ी की दुकान में वहाँ जाते हैं किसके यहाँ? सर्वदे के यहाँ मिलते हैं। अरे यार चलो, सर्वदे के यहाँ राज के वहाँ। चलो ठीक है ले आऊंगा, कैसी लानी है? कैसी लिया, थोड़ा बड़ी बड़ी। अरे फिर घर आके भी कहेगी ऐसा लिया है, ये लिया है, वो लिया है। तो अभी अभी एक काम और दे दिया है, तो श्रीमती जी की फुल्ली हो चुकी है गायब, लक्ष्मी ने मारी नाक में पूछ और फुल्ली पता नहीं कहाँ उड़ा दी, तो तब से मिली नहीं है वो। तो अभी वहाँ से फुल्ली भी ढूंढ के लानी है, तो अभी दीदी मेरी हेल्प कर देगी। अकेले जाता तो मैं लेके भी नहीं आता, क्योंकि घर आके फिर होता है ये लिया है वो लिया है, इससे अच्छा खुद ही जाओ, खुद ही ले आओ। तो फिलहाल मैं चलता हूँ दीदी को छोड़ने। चलो करना और मोबाइल, हाँ पढ़ाई करना है, मोबाइल नहीं देखना है बिल्कुल। हाँ चलो तुम भी छो भी पैर, हम ले जाते दीदी को, जा रहे हैं फिर हम। आशीर्वाद लो, बड़ों का जितना आशीर्वाद ले सको उतना कम है। हाँ